लेट्स वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। मैं विशाल कुमार। हम इस भाग में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, जो फुल्ली आपको एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है चैप्टर, है ना। हम समझेंगे सबसे पहले कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पार्टिकुलर जो यूनिट है, तो उसके सर्वप्रथम जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में दिया रहता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद साइंटिफिक जो साइंटिस्ट के बारे में प्रत्येक यूनिट में पहले पेज पर दी रहती है उसके बारे में। उसके बाद सर्वप्रथम हम इसमें सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह पूरी जो पूरी बेस्ट रहेगी, यह फुल्ली एनसीईआरटी के ऊपर रहेगी। तो हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है? तो यह हम लोग का जो ह्यूमन है, जैसे कि जो मैन है, वुमेन है, है ना। तो ह्यूमन में बहुत सारे सिस्टम है, बॉडी है। ओके, क्या है? बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे बॉडी है। तो सिस्टम और बॉडी, तो सिस्टम अगर देखा जाए तो सेल टिश्यू से बनते हैं, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद सिस्टम से एक बॉडी। सिस्टम मतलब कि एक बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं। तो अगर उस बॉडी में देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो उसका एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है, जिसके बारे में स्टडी करते हैं उसे क्या कहा जाता है? ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो ये आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी आपका यूनिट है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर देखेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी सेशन है। ओके, इंग्लिश मीडियम बुक कवर करेंगे, हिंदी में हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो ये टॉपिक है, तो हम लोग सर्वप्रथम सबसे पहले हम पढ़ना चाहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी 5। और फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन फिजियोलॉजी आखिर क्या है, है ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पार्टिकुलर जो जानकारी दी रहती है एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखना है, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर दिया हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें बहुत सारी चैप्टर पढ़ती हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, सर्कुलेशन, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर इलिमिनेशन, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, उसके बाद जो आपका जो कंटेंट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में यूनिट 5 में कुछ इंट्रो दी हुई है। इसका ये कहना चाहता है द रिडक्शनिस्ट, मतलब कि जो ऐसे पर्सनस होते हैं जो किसी भी बातों को छोटी फॉर्म में बोलते हैं, है ना, तो उनका अप्रोच क्या है। तो स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, किसी भी लाइफ का जो रूप है उसके बारे में अध्ययन करके उनका अप्रोच क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, है ना। तो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिजियो केमिकल कंसेप्ट एंड टेक्निक, वो कहना चाहते हैं कि अपने रिजल्ट में बताया है ना, मतलब कि वो बताना चाहते हैं कि कंसेप्ट मतलब होता है समझ होता है ना। टेक्निक अगर देखेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमेशा फिजिकल और केमिकल जो भी कंसेप्ट है, टेक्निक्स है, हमेशा उसका उपयोग बढ़ते चरण में होता है ना। तो डैट इज फिजिकल, तो आप जानते हैं फिजिकली जो बाहरी फॉर्म में हो, केमिकली इंटरनली, है ना, शरीर से रिलेटेड जो साइज, कलर, ये सब पता नहीं चलता है अंदरूनी फॉर्म में। मेजोरिटी ऑफ दिस स्टडीज इम्प्लाइज देयर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल और स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम। तो इस प्रकार से ये कहना चाहते हैं कि मेजोरिटी ऑफ दिस स्टडीज बहुत बड़े पैमाने पर अध्ययन करके इम्प्लॉयड आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, आप जानते हो सर्वाइविंग टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल्स के इकट्ठा होने से क्या होते हैं, टिश्यू होते हैं। ओके, तो ये हमें इम्प्लॉय करता है ना। तो क्योंकि जो सर्वाइविंग जो टिश्यू है, मॉडल है स्ट्रेट वे सेल मॉलिकुलर फिजियोलॉजी, ये जो है हमें नॉलेज जो देता है, प्रोवाइड करता है आपको किस फॉर्म में, मॉलिकुलर बायोलॉजी के फॉर्म में, है ना। तो एक फ्री सिस्टम के रूप में, है ना। और इस जो नॉलेज का जो विस्तृत जो अगर देखेंगे रिजल्ट जो है, इस विस्तृत जो रिजल्ट है मॉलिकुलर फिजियोलॉजी का, इसका जो ज्ञान है उसमें बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये सब की जानकारियाँ उसमें संलग्नित है। यहाँ पर दिया हुआ बायोकेमिस्ट्री और बायोफिजिक्स, है ना। तो ही बिकेम ऑलमोस्ट सिनोनिमस विथ बायो, मतलब कि एकदम इसके समान है बायोकेमिस्ट्री और किसके, बायोफिजिक्स, जो मॉलिकुलर फिजियोलॉजी है। हाउ एवर, फिर भी ये कह सकते हैं, इट इज़ नाउ बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज डैट ने Neither a purely organic approach nor a purely reductionist, purely reductionist molecular approach would reveal to the truth of their biological process or living phenomena.
ये कहना चाहता है, फिर भी अगर देखेंगे बढ़ती फॉर्म में हम लोग अगर रियलाइज़ करते हैं किसी भी बात की, अनुभूति करते हैं कि उसका जो मॉलिकुलर अप्रोच है, जो मॉलिकुलर जो जानकारियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार के रहस्य खोलती है अपने आप में, है ना। वो रहस्य जो खोलती है, प्रतीक जितने भी आपको अगर देखा जाए, जितने भी सजीव घटना है ना, पर जितने भी जैविक जो प्रोसेस हैं और जितने भी आपको जो सजीव जो घटना है ना, उसके बारे में ये सात्विक जो है भेद रहस्य खुलता है। सिस्टम बायोलॉजी मेक्स अ बिलीव दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। इसमें जो अगर देखनी है तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे बायोलॉजी में अगर देखना है तो सिस्टम बायोलॉजी, सिस्टम्स बायोलॉजी क्या होता है, कोई जैसे एक साइंस है तो हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते ही हैं, है ना। और ये हमें विश्वास दिलाता है कि जितने भी जो लिविंग जो घटने होते हैं, है ना, लिविंग जो घटना होता है यानी कि सजीविक जो घटना होता है जिसमें यानी कि लाइफ होता है, उसे क्या कहा जाता है, जिसमें लाइफ होता है उसे क्या कहा जाता है, डैट इज लिविंग फेनोमेना कहा जाता है। आर इमर्जेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू इंट्रैक्शन एमंग कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी। तो ये सब जो है हम लोग पढ़ करके समझ करके ये सब अध्ययन करते हैं ताकि इसके बारे में काफ़ी जो इंट्रैक्शन है, एफिनिटी है, उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सके, है ना। तो रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, सुपर मॉलिक्यूल्स असेंबल्स। इस तरीके से हम लोग अगर देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है इकट्ठा होकर के नेटवर्किंग करके आपको सुपर मॉलिक्यूलर असेंबलीज करते हैं, मतलब कि आपको मॉलिक्यूल्स जो है सुपर मॉलिक्यूल बनाते हैं इकट्ठा होकर के, उसके बाद सेल्स, उसके बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गेनिज्म। और वास्तविकता रूप में अगर देखनी है तो पॉपुलेशन, उसके बाद कम्युनिटीज, है ना। इस तरीके से जो बनने का जो प्रोसेस है आगे चलता चला जाता है। तो ये सात्विक उसका गुण है ना, एकदम प्रमाणिक गुण है कि इस तरीके से धीरे धीरे छोटे से बड़े बनते हैं या बढ़ता हमेशा चला जाता है, बनने का फॉर्म हमेशा बढ़ता चला जाता है। इन दिस चैप्टर, इस हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे आखिर क्या, यूनिट में हम लोग इस यूनिट के इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे चैप्टर में मेजर ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक डाइजेशन, बहुत सारे डाइजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ब्लड सर्कुलेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट और अनेक प्रकार के जो कोशिकीय और जो आणविक जो टर्म है यानी कि सेलुलर, हमारे बॉडी के अंदर सेल्स और मॉलिकुलर फॉर्म में क्रियान्वित होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़नी है। लास्ट में है द लास्ट टू चैप्टर्स, है ना। लास्ट टू चैप्टर्स हमें क्या पढ़नी है, हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़नी है। तो उसमें हम लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है, रेगुलेशन है बॉडी का, उसके बारे में हम लोग, उसकी घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी आपको जीव है उसके लेवल के अनुसार उसमें किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, वो किस तरीके से अपने आप को समन्वय करते हैं, किस तरीके से नियंत्रित करते हैं अपने शरीर को, है ना, इस घटना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो डैट इज़ हम लोग फर्स्ट जो चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद रेस्पिरेटरी, उसके बाद सर्कुलेटरी, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बाद लोकोमोटरी, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दो चैप्टर आपको नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन के रूप में हार्मोन, एंजाइम, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने इंट्रो दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये आप तो जान ही रहे होंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी जैसे ही ओपन करते होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंटिस्ट का डायग्राम आपके सामने आता होगा जिनका नाम है अल्फोंसो कॉर्टी, है ना। इनका जो जन्म हुआ था, इनका लाइफ स्पान 1822 से लेकर के 1888 तक था, यानी कि 1822 से 1888 तक था। इनका पूरा नाम अल्फोंसो कॉर्टी था, ये एक इटली के रहने वाले थे, ये एनाटोमिस्ट थे, है ना। तो इनका जो जन्म हुआ था 1822 में, तो एनाटोमिस्ट मींस होता है कि अगर कह सकते हैं, ऐसा नहीं समझना है कि एना है आप, एन है, एटमिस्ट है ना, मतलब कि एन मींस नॉट, एटम मींस परमाणु हो गया, है ना, उसके बारे में नहीं है, है ना। तो एनाटॉमी के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसे एनाटॉमिस्ट कहा जाता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं उसे एनाटॉमिस्ट कहा जाता है। इनका जन्म 1822 में हुआ था। कॉर्टी ने सबसे पहले जो अपना जो शुरुआती जो साइंटिफिक करियर स्टार्ट किया वो कार्डियोवैस्कुलर यानी कि सीवीएस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के
साथ अध्ययन किया, और वो भी कौन से प्राणियों में, वो भी आपको सरीसृप में यानी कि रेप्टाइल्स के अंदर। तो रेप्टाइल्स जो आपको रेंग करके चलते हैं उसे क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स जो धरती पर रेंग करके चलते हैं, क्रिप करके चलते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, रेप्टाइल्स कहा जाता है। कार्डियो मीन्स आपको हार्ट होता है, वैस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट के साथ एक सिस्टम होता है उसे कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। तो कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम पर रेप्टाइल्स के अंदर वर्क कर रहे थे, इनका करियर का यही स्टडी था। बाद में इन्होंने अच्छे तरीके से क्या किया, टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। उसके बाद जो मैमल्स होते हैं उनके जो ईयर होते हैं, उनके ईयर में एक सिस्टम होता है उसे ऑडिटरी सिस्टम्स कहा जाता है। ईयर में का जो सिस्टम होता है सुनने के लिए वो ऑडिटरी सिस्टम कहलाती है ना। तो 1851 में अपने, देखिए जन्म हुआ था 1822, यहाँ 1851 है ना, तो लगभग देखिए कितने साल लगभग हो गए आपको, हम लोग कह सकते हैं यानी कि 29 साल के अप्रॉक्स लगभग ऐसा कार्य उन्होंने किया है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर पब्लिश किया, उसमें डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से जो कॉकलिया का जो बैसलर मेम्ब्रेन होता है उसके स्थान, उसके स्ट्रक्चर के साथ उन्होंने ब्रीफली आपको सभी को बताया है ना, और जिसे हम लोग आजकल स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो कॉकलिया का जो बैसलर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर बहुत सारे हेयर सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशंस इनटू नर्व इम्पल्स, जो क्या करते हैं साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में इंटरचेंज कर देते हैं, जिसका नाम होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ईयर जब हम लोग पढ़ेंगे है ना, तो डैट इज ईयर का पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ना। तो डैट इज वहाँ पर क्या होता है कि जो साउंड वाइब्रेशन होता है वहाँ पर नर्व इम्पल्स में इंटरचेंज हो जाता है। चलिए, इनका जो मृत्यु हुआ, इनका देहांत हो गया है ना, इनका स्वर्गवास हो गया अल्फोंसो कॉर्टी का, आपको यानी कि 1900 तक आते आते यानी कि 12 साल पहले है ना, 1888 में इनका देहांत हो गया। तो डैट इज इनका जो लाइफ स्पान था 66 ईयर्स इनका चला। तो ये हमने इंट्रो देखा, इंट्रो टॉपिक देखा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे चैप्टर की बात करते हैं, धन्यवाद, दूसरे चरण में।